हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपके समक्ष आज का विषय लेकर आया हूँ, हिंदी की किताब। हाँ, हिंदी की किताब, वही किताब जो हम कभी दिल से पढ़ते नहीं, जिनमें मात्राएं होती हैं, बिंदियां होती हैं और सारी बहुत सारी चीज़ें होती है। आइए कविता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। शीर्षक है हिंदी की किताब। हिंदी की किताब मात्राओं से सुसज्जित। हिंदी की किताब मात्राओं से सुसज्जित, बिंदियों से शोभित, भांति भांति रचनाओं और रचनाकारों से शोभित। हिंदी की किताब मात्राओं से सुसज्जित, बिंदियों से शोभित, भांति भांति रचनाओं और रचनाकारों से शोभित, गद्य पद में लिखित, साहित्यकारों की कहानी उपन्यासों से भरी, रामायण गीता और कविताओं से लदी। गद्य पद में लिखित साहित्यकारों की कहानी उपन्यासों से भरी, रामायण गीता और कविताओं से लदी। व्याकरण और काल का समावेश। हाँ, व्याकरण और काल का समावेश। आज पुस्तकालय में प्रवेश। धूल फांकती हुई हमसे कुछ कहती हुई, पढ़ो हिंदी की किताब। मैं हूँ देश की हिंदी की किताब। हिंदी की किताब मात्राओं से सुसज्जित, बिंदियों से शोभित, भांति भांति रचनाओं और रचनाकारों से शोभित, गद्य पद में लिखित साहित्यकारों की कहानी उपन्यासों से भरी, रामायण गीता और कविताओं से लदी। व्याकरण और काल का समावेश। आज पुस्तकालय में प्रवेश। धूल फांकती हुई हमसे कुछ कहती हुई, पढ़ो हिंदी की किताब। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नमन।